टॉय ट्रेन में उन्होंने बना रखा है एक मिनी रेस्टोरेंट। हेलो दोस्तों, तो कहते हैं आप लोग, आज का मेरा जो ब्लॉग है वो शुरू होने जा रहा है। ये देख लीजिए पीछे मेरा है टॉय ट्रेन, तो आप समझ ही गए होंगे टॉय ट्रेन कहाँ पे है। आज जो मेरा ब्लॉग है वो शुरू होने जा रहा है दार्जिलिंग से, तो गुड मॉर्निंग दार्जिलिंग। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं दार्जिलिंग में, और दार्जिलिंग में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ टॉय ट्रेन, जो कि हमारे काफी नजदीक से देख सकते हैं। ये पीछे से जा रही है। अरे सर सब जानता हूँ सब। तो अब आगे आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ टॉय ट्रेन। इस टाइम हम निकल के जा रहे हैं दार्जिलिंग की मेन मार्केट से। ये देख सकते हैं सामने, ये है दार्जिलिंग की मेन मार्केट। हम पहुंचने वाले हैं अब टेंजिंग रॉक की तरफ। ये देख सकते हैं ये पहुंच गए हम सीधे, सामने है ये टेंजिंग रॉक, जो कि दार्जिलिंग का बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। जो भी दार्जिलिंग आए यहाँ ज़रूर आएँ। ये देख सकते हैं सामने का कुछ नज़ारा। वहाँ से घूमने के बाद हम फिर वापस आ गए हैं ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन की तरफ। ये देख सकते हैं रेलवे स्टेशन से इधर उधर का व्यू। दोस्तों मैंने आज अपने ब्लॉग की शुरुआत की आपको एक टॉय ट्रेन दिखा के। मैं इस समय हूँ दार्जिलिंग में, ये वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी से केवल 80 किलोमीटर मतलब 80 किलोमीटर दूर है। ये देख सकते हैं ये सामने है दार्जिलिंग का चर्च, जो कि यहाँ चार चांद लगाता है। ये रेलवे स्टेशन जो है यहाँ का टॉय ट्रेन का, उसके सामने ही है जस्ट। आज संडे की वजह से काफी रश है रोड पर, देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन। हम लोग भी आए तो काफी हमें रश मिला। हम लोगों ने अपनी गाड़ी कर दिया पार्किंग में। हम लोग आई लव दार्जिलिंग के पास पहुंच गए हैं। यहाँ काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और टेम्परेचर होगा लगभग 25 डिग्री के आसपास। गर्मी महसूस हो रही है हल्की हल्की। देख सकते हैं ये सारी धुंध लगी हुई है यहाँ पे। ये है दार्जिलिंग,
कुछ इस तरीके से। एक पल भर में धूप आ रही है, पल भर में जा रही है, पर गर्मी थोड़ी ज्यादा। ये सामने ही ट्रेन में, टॉय ट्रेन में उन्होंने बना रखा है एक मिनी रेस्टोरेंट। नाम इसका है कैफे गोल्डन फीस्ट। इनसे करने दो, एक मिनट, देख सकते हैं। हम सुबह में थोड़ा जल्दी ही आ गए थे, तो बस अब इंतज़ार जो है वो है टॉय ट्रेन चलने का। अब तक हमें कोई भी टॉय ट्रेन चलती भी नहीं मिली है, बस वेट कर रहे हैं। दो तीन चक्कर हमने स्टेशन के लगा दिए, दार्जिलिंग आए टॉय ट्रेन नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, इसलिए बाप आ रहे हैं वापस चले जा रहे हैं, आगे आ रहे हैं वापस चले जा रहे हैं, यही हो रहा है मॉर्निंग से हमारे साथ। देखते हैं कितनी देर में मिलती है हमें टॉय ट्रेन चलती हुई। ये यहाँ की बाजार है, देख सकते हैं पीछे मछली मिल रही है, सामने फ्रूट्स मिल रहे हैं, और ये सामने देख लीजिए दार्जिलिंग का मेन चौराहा। अब आगे आगे हम आपको दिखाने जा रहे हैं और प्राचीन ट्रेन के इंजन। ये पहले ये देख सकते हैं ये ट्रेन, दोबारा हम यहाँ पे आ गए और ये अब दिखाने जा रहे हैं हम आपको प्राचीन ट्रेन के इंजन जो दार्जिलिंग में सबसे पहले शुरू हुए थे, वो देख सकते हैं आप, ये आज भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन्हें रिपेयर किया जा रहा है, ये आज भी कोयले की स्टीम से चलते हैं। ये देख सकते हैं हल्का हल्का इसमें धुआं निकल रहा है और ये कोयला भरा हुआ है, ऊपर कोयला जलता है तो ये चलते हैं। तो फाइनली अब हम देखने वाले हैं टॉय ट्रेन चलती हुई, बस कुछ ही सेकंड का इंतज़ार। ये देख सकते हैं आप सामने से आ रही है टॉय ट्रेन। तो जी दोस्तों, फाइनली देख लिया हमने टॉय ट्रेन को चलते हुए दार्जिलिंग की पटरियों पर। अब थोड़ा दिल को सुकून हुआ, अब सीधा पार्किंग में पहुंच के ये दिखा रहे हैं हम आपको पार्किंग के बाहर का नज़ारा, क्योंकि पार्किंग हमारी बहुत ही ऊपर थी, फोर्थ फ्लोर पे। ये देख सकते हैं ये है बाहर का नज़ारा कुछ। प्लीज़ यार ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं। Try to